अल्लाम व्लि वरक अज़बल्लिन रजीम बसम तस्व पर लिखी हुई किताब एक पर गुफ्तु कर रहे हैं और उसका मुताल कर रहे हैं सबक हासिल कर रहे हैं तीसरे बाब के आज एक और टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे नमाज के अवात की हकमतें इस जगह पर मुसनफ साहब फरमाते हैं तेरा जोप व जमात मालूम करने करके नमाज की तादाद घटा दी और फजल खुदावंदी का महताजान कर इमदाद बढ़ा दी यानी पचास से पाँच कर दी और पचास का सवाब पाँच में कर दिया यानि नमाज शब मराज में फ़र्ज हुई है अव्वल अव्वल पचास नमाजें फ़र्ज हुई थी हजूर अकदर सल्लाम के कई बार दरख्वास्त पर पचास से पाँच बाकी रही और पैंतालीस कम हो गए। ये कम होना बवजह हमारे जोब के हुआ कि हम पचास वक्त के नमाज पर मदामत न कर सकते लेकिन इंसान इसके फजल का मोहताज है इसलिए सवाब पचास ही का कायम रहा तेरे लिए तात को औकात माना के साथ इसलिए मुक्द कर दिया ताकि कसल और लयत व लाल तुझको माने ना हो और दिक और वक्त फराख रखा ताकि कुछ हिस्सा इख्तियार का भी तेरे लिए बाकी रहे यानी जो इबादत बंदा पर हक ताला ने फ़र्ज फरमाई हैं उनके अवत भी मुन फरमा दिए जैसे नमाज रोज़ा के अगर इन वक्तों में इनको अदा कर लो तो अदा होती हैं वरना फोत हो जाती तो इसमें हमत ये है कि अगर मसला नमाज़ के अवत को मुयन न किया जाता और हमारे राय पर छोड़ दिया जाता कि जब चाहें पढ़ लें तो सुस्ती और किस और लायक लायक होती है और ये होता कि अगर किसी काम में मशगूल हैं तो ये कहते कि इस काम से फारग होकर पढ़ेंगे या कई माह की एक दिन में पढ़ लेंगे जल्दी ही क्या है तो इस तौर से वो इबादत फोत हो जाती है और वक्त जो नमाज का मकरर फरमाया वो ऐसा तंग नहीं रखा रख रक, रखा कि वक्त के आते ही पढ़ना ज़रूरी है ओ, कि अगर आते ही वक्त के ना पढ़ें तो क़़ा हो जाए बल्कि वक्त ऐसा फ़राक रखा कि कुछ हिस्सा इख्तियार का भी हमारा बाकी रहा कि इस वक्त में खा अव्वल पढ़ लो या दरमियान में या आखिर में इसमें ये फ़ायदा विकमत है कि वक्त आने पर हम फ़रागत और इतमान से नमाज़ की तैयारी कर लें और अपने अफकार ख्याल और जरूरी कामों से फ़ार गोलें बिल्कुल तंग वक्त मैन होने से ये हमत फो फोत हो जाती है और वक्त आने पर जिस तरह बन पड़ता है खा इतमान और फ्राग, कल्ब होता या ना होता पढ़ना पड़ता तो इसमें नमाज की रूह और जान यानि हजूर कल्ब हासिल ना होता इस जगह पर मुनफ साहब फरमा रहे हैं कि ये जो नमाज़ के अवत रबने रखें इनमें हिकमतें हैं असल हिकमत जमान व मकान की क़ैद ज़ायरा इंसान को जमान मकान की क़ैद में डालना है ताकि वो इस चीज़ में रहकर अपनी असल मंजिल तक पहुंच पाए और अपनी मराज हासिल कर सके और महराज हासिल करने के लिए उसको कुछ इस अंदाज में अल्लाह पाक ने एक राह दिखाई है सिरात उस तक उस तक पहुंचने की शराय यही है कि इन औकात की पाबंदी की जाए दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़